सॉरी, थैंक यू। ठीक है, तो उसमें से मुझे एक ये भी मिला है, इग्नोर दिस, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन ओवर हियर, ठीक है, एंड स्क्रॉल डाउन करके मैं तुम लोग को इसका एक्सेस दे देता हूँ इनफैक्ट को। सही, इफ यू स्क्रॉल डाउन टू इट तो ये आपको, अच्छा, सो आई डिडंट नो अबाउट दिस साइट बट आई फिगर्ड आउट के इस इनके नंबर्स, जो कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उनसे काफी क्लोज हैं, नॉट एग्जैक्ट। बट मुझे एक और इस साइट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने ये बात बोली भी है कि, और जो कि फैक्ट है, कि कोई भी कैलकुलेटर आपको एक्यूरेट फिगर्स नहीं निकाल के दे सकता। इट इज डिपेंडेंट एंटायरली ऑन के उस बुक की कैटेगरी की इटसेल्फ एक अपनी एक परसीव वैल्यू होती है, एक अपनी डिमांड होती है, वो क्या चल रही है। अगर वो बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही बिक रहा है तो फिर आपका कैलकुलेटर गलत हो सकता है, बट देन अगेन ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं और एस्टिमेटेड वैल्यूज ली जाती हैं बहुत सारी कैटेगरीज को नजर में रखते हुए। ठीक है, तो अगर आप नीचे जाएं, और इनकी कैलकुलेशन भी इन्होंने बताई हुई है कि किस तरह ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और इफ यू गो बैक और कम अप ओवर हियर, तो यहाँ पे उन्होंने बोला देयर कपल ऑफ किंडल कैलकुलेटर्स आउट देयर ऑल क्लेम टू बी बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स एक्सपीरियंस, व्हिच इज फाइन, ऑल ऑफ देम क्लेम टू बी राइट एंड एक्यूरेट, आई विल टेल यू अ लिटिल सीक्रेट, नन ऑफ देम आर। सही है, तो एक्यूरेट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी, सही है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी के कौन बिल्कुल सही नंबर बता रहा है कि अगर आप इस BSR रेटिंग पे खड़े हुए हो तो आपकी कितनी सेल्स होंगी बुक्स की और आपको कितने पैसे मिल रहे होंगे, ऐसा कोई, देयर इज नो मैजिक इन दैट, के मतलब कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी हो जो आपको बता दे कि भाई ये आ रहे होंगे नंबर्स एग्जैक्टली। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एस्टिमेटेड फिगर, बैक एंड पे इसकी कैलकुलेशन हो रही है और खुद से कैलकुलेशन करके आपको बता रहा है। इसके अलावा मुझे दो तीन और मिले लेकिन वो बहुत मतलब उनकी जो आउटकम्स आ रहे थे वो अनरियलिस्टिक और बहुत ही खराब आ रहे थे, तो आई हैड टू गो विद दिस वन। तो इफ यू सी बैक, जो मैंने टेबल शेयर किया हुआ है यहाँ पे, तो दिस टेल्स यू समवेयर के अगर आपकी 500 रैंकिंग और सो हो, 500 750, तो 160 सेल्स के करीब वो बता रहा था, ये आपको बता रहा है 120 to 175 सेल्स बुक्स पर डे सेल होंगी। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट, सो वन सेकेंड, अच्छा, सो वी फिनिश्ड ऑफ ओवर हियर एंड वी गोइंग टू स्टार्ट विद सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स दैट आई वाज एबल टू फाइंड ऑन द इंटरनेट बिकॉज आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। ठीक है, सो दे आर नंबर वन, ई बुक प्रोडक्शन एफर्ट। सो ई बुक प्रोडक्शन एफर्ट के लिहाज से आपकी, और डू नॉट टेक दीज फिगर्स इंटू कंसिडरेशन कि आप इतने लेंथ की बुक्स लिख रहे होगे, मतलब इट इज टोटली अप टू यू अगर आपको लिखना है, लेकिन 200 वर्ड्स की बुक आराम से तकरीबन $5,000 की पड़ती है अगर आप 10 सेंट्स वर्ड दे रहे हो। ठीक है, तो डू नॉट टेक दीज फिगर्स इन कंसिडरेशन, दिस इज जस्ट, दीज आर जस्ट स्टेटिस्टिक्स के, और दीज आर अकॉर्डिंग टू KDP बाय द वे। ठीक है, एंड लास्ट 2 से 3 साल की ये है स्टेटिस्टिक्स जो मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, दीज कैटेगरीज जो आप टॉप पे यहाँ देख रहे हैं, आप ये देखेंगे यूजली इन अदर एरियाज, ये काफी मशहूर कैटेगरीज होंगी और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये वाला था। तो ई बुक प्रोडक्शन एफर्ट में तो अगर आप देखें तो एवरेज पेज लेंथ, अच्छा पहले एक चीज मैं आप लोग को बता दूं और ये मैं अभी आगे भी बताऊंगा कि KDP में एवरेज पेज लेंथ जो होती है वो 250 से लेके 300 तक के बीच की होती है। ठीक है, सो अब आप अंदाजा कर सकते हो कि इन्होंने पर वर्ड कितने वर्ड्स की बुक्स जो है ना लिखवाई होंगी, और ये बता रहा है आपको कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि बेस्ट टू वर्स्ट के लिहाज से यहाँ पे अपने आप को रैंक दे रही हैं।
And these are again estimated average on an average, ठीक है? और category position उनकी क्या है? So this for we talk about children's e-books. So this is let's if you talk about this one, so it's like it's on number one right now. But then again, this can very much fluctuate. Short reads में you can see के short reads में सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सी हैं? Short reads when we talk about short reads, we're talking about books that are up to 5,000 to 7,000 words. ठीक है? और एक सेकंड रुकिएगा सर, मैं 15,000 का एक वो फिगर निकालना चाह रहा हूँ. So if we talk about even if we talk about 5,000 to 7,000 se leke up to 15,000, up to 15,000, so we are talking about 50 pages over here, 15,000 words. So yeah, if we talk about 30 pages, 40 pages, that would be more or choti category mein aayega. But I have some people around me जो 30 to 40 pages तक की books लिखते हैं, खास तौर पे मेरे clients जो हैं गोरे, और वो मुझसे advertise करवा रहे होते हैं, और they fall into this category. And मेरा जो client है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, and City Mitchell, I think कोई Indian sort of books लिखता है वो, suspense and thriller की. This guy, I'm talking about him. देखा Detective Jack Creed. These are all the देखा ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं. This is my customer right now. ये मेरा अभी current customer है और मेरे Facebook पे भी added है ये. ठीक है. So he asked me to basically advertise this book for him on Facebook ads. Recipe for Murder 13 है. ये Indian stories sort of होती हैं and I did it and he was pretty happy and then he reordered a couple of times again, 2 to 3 times, and yeah. So, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो short reads में number 3 पे आ रही है mystery thriller and suspense. And this guy that I'm talking about, City Mitchell, ये काफी मशहूर है और इसकी काफी sales आती हैं short reads में. He's known for this category. Mystery, thriller and suspense. ठीक है? Estimated sales per day आप देख सकते हो कि short reads में 18 books भी sell out हो जाती हैं on a given day. So which countries read the most and comes out India is on number one and US is on number I don't know it's like 15, 20, top 25 number, Canada, US, and UK is like in top 25 or 30. ठीक, so these things, just keep these things in mind while you're advertising your book, because your readers can come from anywhere, and considering the fact that India has hours spent reading per person per week, right? So, and we are talking about readers, we're not talking about general audience. We're talking about people who actually like to read. So India has most of the read. I had actually a couple of other screenshots as well, which I picked up from different websites, but I did not thought about including them because these 3 to 4 pictures, jo statistics dikha rahi hain, they speak for themselves in a lot of areas. So the one that City Mitchell wali main aapko bata raha tha, he also asked me to advertise this in India. I don't know ki uska response kya raha because he had the main dashboard jahan pe represent kar raha tha wo kiski sales kitni aa rahi hai, but he has created almost up to 6 to 7 books just isi ke around, isi tarah ki A Recipe for Murder or phir A Recipe for
समथिंग इस तरह करके ना, एंड ऑल जॉनरा जो था वो इस तरह का था, सस्पेंस थ्रिलर का, एंड सारी आर रिटन अराउंड इंडियन स्टोरीज एंड ऑल दैट. सो या राइटिंग योर बुक, तो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग ऑन एनी टॉपिक आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दिस वन थिंग एंड वन मोर थिंग. इट्स नॉट मेड येट. ओके, सो वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि जब मैं आप लोग से बोलूंगा, एंड दिस इज प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक, जब मैं तुम लोग को अभी किस लिए नहीं बोल रहा कि मुझे बता दो कि तुम लोग को किस एरिया में लिखना है या मुझसे थोड़ी राय ले लो या ये ले लो, मैं इस वजह से तुम लोग से नहीं बोल रहा. उसका रीजन ये है कि मैं जब तक तुम लोग KDPI या पब्लिशर रॉकेट का जब तक मैं तुम लोग को टूर एक नहीं देता, नहीं बताता कैसे काम करना है इनके साथ, एंड तुम लोग में से जो चाहे वो इस पे खरीद ले और या शेयर कर ले किसी के साथ लेके, मतलब ले सपोज अगर यहाँ पे 4 लोग इंटरेस्टेड हैं. अब पब्लिशर रॉकेट की जो सब्सक्रिप्शन नहीं है, इट्स लाइक वन टाइम बाय, एंड इसकी जो पेमेंट जो है वो है $97 पर वन टाइम आई थिंक, बिकॉज KDPI का तो वन टाइम है. इसका मैंने मैंने सच बात बताऊं तो मैंने ये यूज नहीं करा, लेकिन मैंने KDPI यूज करा है. सही, KDPI का वन टाइम है. इसका भी आई एम 100% श्योर ये वन टाइम है. अब अगर आप लोगों को वन टाइम $97 बहुत ज्यादा लग रहा है, विच टर्न्स आउट टू बी अराउंड ₹16,000, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है और मैं ये चाहूंगा या चाहूंगी कि मैं किसी के साथ शेयर कर लूँ, तो मैं आप लोग से बोलूंगा कि आप लोग आपस में बात कर लो, कोऑर्डिनेशन बना लो, और अगर आप लोग को समझ आता है तो आप लोग ले लो, ये मिलजुल के ले लो. ठीक है, 2-3 लोग या 4 लोग मिलके ले लो और फिर उसको उसके क्रेडेंशियल्स यूज कर लो. सो रिगार्डिंग द टॉपिक्स, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू आंसर फ्यू ऑफ दीज थिंग्स एंड डू इट बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर बुक और यू हैव सेलेक्टेड अ बुक. नॉट फॉर दोज ऑब्वियसली जिन्होंने अपनी बुक लिख ली है, जैसे माशाल्लाह अस्का है, उन्होंने अपनी बुक लिख ली है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, बट ऑब्वियसली अगर कोई नई बुक लिखना चाहेंगी तो मैं उनको एक बात सजेस्ट जरूर करूंगा कि राइट डाउन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जिसपे यू हैव एक्सपर्टीज इन एंड और यू थिंक दैट यू एक्सेल इन. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर गोइंग टू राइट देयर ओन बुक, नॉट गेट इट डन बाय समवन एल्स और बाय अ गोस्ट राइटर. सो फॉर पीपल हु आर गेटिंग देयर स्टफ डन बाय देमसेल्व्स, सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू से वॉट टॉपिक्स वुड आई लव टू राइट अबाउट. I'm just going to talk about few drop shipping, Facebook ads, and a couple of things. Business models, gaming, esports, CS, couple of things here and there जो कि मेरे इंटरेस्ट हैं. ठीक है, ये मैं सवाल करूंगा इस तरह का सा, ये आप लोग को फॉर्म में जवाब देना पड़ेगा. व्हाट नॉलेज डू आई हैव दैट आई कुड हेल्प विद. प्रॉपर्ली इसमें एक और मैं बता दूंगा कि इनमें से आप किसके ऊपर लिखना चाहोगे. तो इफ आई वाज यू और मैंने प्रिपेयर कर ली अपनी ई बुक इन फेसबुक एड्स, अगर किसी को चाहिए हो, मैंने बेसिकली ये कैनवा के ऊपर प्रिपेयर करी है. अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता दे, आई डोंट माइंड शेयरिंग इट यू गाइज. कवर डिजाइन वगैरह मैंने नहीं करवाया अभी, मैंने सिर्फ कंटेंट लिख लिखा है उसके ऊपर. सो अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी मिल नहीं रहा, लेकिन इधर ही कहीं है, मैं शेयर कर लूंगा तुम लोग के साथ. सो व्हाट नॉलेज डू आई हैव दैट आई कुड हेल्प पीपल विद. ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट फेसबुक एड्स, आई वुड से कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन. सही है, आई वुड से पिक्सल एंड रीटारगेटिंग, आई वुड से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग और सो एंड सो फोर्थ. सही है, देन व्हाट डू आई नो दैट
I wish I knew when I got started with X, a business, relationship problem, or whatever. ठीक है? What do I know now that I wish I knew when I got started with X? ठीक है? So, what are your lessons learned? For example, अगर आज आप किसी चीज की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हो, भले वो Amazon PL है, तो वो क्या चीजें थी या होती आपके ख्याल में कि जब आप स्टार्ट करते अपना काम पहले तो आप ज्यादा अच्छे से कर लेते? और दिस इज लाइक अ डमी गाइड फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग ऑफ और हु स्टार्ट्स रीडिंग योर बुक. सो यू हैव टू एनलिस्ट दोस थिंग्स कि जो आपने गलतियां करी हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपका जो जो रीडर है वो सेम गलतियां ना करे. ठीक है? सो राइट अबाउट दोस. I would say something like creating ads from ads manager, making use of pixel, how the whole system works, XYZ. So yeah, what ideas do I have that could sell well? So यहाँ पे कोई एक तुम लोग को main अपना की परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज लिखनी होगी जो कि तुम लोग को लगता है कि अगर एज अ राइटर, तो क्योंकि मैं उन लोग से बात कर रहा हूँ जो खासतौर पर अपनी बुक लिख रहे होंगे या इवन जो अपनी बुक लिखवा रहे हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि उनका मेन टेक की टेक अवे उनकी बुक से क्या होगा. कि जब एक रीडर खत्म कर देता है बुक, तो उसका मेन की टेक अवे क्या होगा, वो आपकी बुक को रीड करने के बाद कौन सा ऐसा एस्पेक्ट होगा जो वो लेके जाएगा वापस एज अ लेसन लर्नड कि हाँ यार, मतलब मुझे इस बुक से सीखने को ये मिला है. ठीक है? एक मिनट, प्लीज स्टॉप द वीडियो. सो राइट दोस एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाई डू आई वांट यू टू डू दिस. इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल द बुक आइडियाज आउट अहेड ऑफ टाइम. अब हो सकता है कि ये सब कुछ करने के बाद आपके पास एक बुक आइडिया ना हो और आप लोग के पास तीन चार बुक आइडियाज आ जाए. और मैं आखिरी सवाल लिख भी दू प्रोबेबली, अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ फॉर्म किस फॉर्मेट पे होगा, कि क्या बुक्स, किस एरियाज में आप बुक्स लिखने जाने का सोच रहे हो. ठीक है? तो अगर आप फेसबुक में सोच रहे हो, फेसबुक एड्स में एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करूं, तो कौन सी तीन बुक्स तुम लिख सकते हो, या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तुम कुछ किस तरह की तीन बुक्स या चार बुक्स लिख सकते हो. सो यही चीज मैं आप लोग से बोलूंगा इन द सेम वे. होता क्या है, जब बंदा बुक लिखने जाता है या लिखवाने जाता है और वो आइडिया सोच रहा होता है, तो अगर वो पहले नहीं सोचता, अगर लेट्स सपोज मैं आप लोग से ये काम ना करवाऊं और आप अगर आप लोग पहले नहीं सोचो इस बारे में, जब आप बुक लिखने बैठोगे ना, तो सबसे बड़ी आपकी डिस्ट्रैक्शन ये होगी कि आप बुक लिखते लिखते बहुत बार आपके दिमाग में और आइडियाज भी आ जाएंगे कि एक सेकंड वेट करो, मैं ये भी लिख लेता हूँ, एक सेकंड वेट करो, मैं ये दो और बुक्स लिख लेता हूँ, ये छह बुक्स और लिख लेता हूँ. तो टू सेव यू दैट टाइम, यू शुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, लाइक अप फ्रंट, not the halfway through. ठीक है? So do this. I'm going to remove all of these answers. Crap. ठीक है? Do this. Okay, so regarding outsourcing, and this is for people who are going to get it written by someone else, or by a cousin, by a friend, by a freelancer, or anyone that is. And this is around ke if you're outsourcing a book, then you have to keep things in mind that ek, on an average, ek page pe takriban 250 se 300 words aate hain. Theek hai? Freelancers charge between $0.1 to $0.05. And I know people, I personally know people who are even charging $0.03 or $2, $0.02 up to $0.02 per word. ठीक है? I'm not discouraging anyone who is a writer over here. सही है? I'm just letting you know कि I know people जो इस तरह काम कर रहे हैं. सही है? तो 0.1 is basically 10 cents. It goes, जो बहुत बहुत crazy और बहुत अच्छे writers हैं, they're going up to 10 cents per word. And जो बहुत एक एवरेज राइटर्स नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे मीडियोकर राइटर्स जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट क्रिएटिविटी बट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग
एंड परसुइंग देयर कैरियर, वो बेसिकली अराउंड 0.05 डॉलर से लेके 0.02 डॉलर तक और इस तरह भी कर रहे होते हैं, ठीक है। दे इवन चार्ज अप टू 2 सेंट्स, मैं 10 सेंट्स की यहाँ पे बात करूँ तो इवन चार्ज अप टू 2 सेंट्स, ठीक है। तो एज्यूमिंग योर ई बुक कंसिस्ट ऑफ 15,000 वर्ड्स, देन इट्स गोइंग टू बी सिंपल मैथ, विच इज कि मैं एक एवरेज फिगर से लगा रहा हूँ, आपको इसमें राइटर मिल जाएगा, विच इज 15,000 इंटू 0.05 डॉलर्स मेक्स इट $750 फॉर योर वन बुक विच विल बी ऑफ 50 to 60 pages, ठीक है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, यू हैव टू कीप दिस फिगर्स इन माइंड। नाउ इट इज अप टू यू दैट यू वॉन्ट टू गेट अ बुक ऑफ 50 to 60 pages या 30 pages और वॉट एवर दैट इज, 5-6 हजार की, 7 हजार की एक बुक हो और फिर आप 2 लिखवाओ या 3 लिखवाओ, दैट इज टोटली अप टू यू। बट आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 7 की 3 बुक्स की तरफ जरूर जाओ और फिर हम लोग उसके ऊपर फिर मजीद और बात करेंगे। अगर आप बम्बू लॉन्च या हाइपर लॉन्च की तरफ जा रहे हो और आप साथ में VVROs करवा रहे हो, तो फिर आप फिलहाल एक बुक के साथ जाओ अभी, ठीक है, बिकॉज देर इज गोइंग टू बी सम ब्लीडिंग एंड देन हम लोग उस उन टॉपिक्स के ऊपर एंड में आएंगे जैसे मैंने आप लोग से बोला है। लेकिन पहले मैं आप लोग से सारी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें कैसे करते हैं और KD स्पाई को कैसे यूज करते हैं, अगर मैं ये चीजें स्किप कर दूंगा या मैं अगर इनके ऊपर नहीं बात करूंगा, डायरेक्ट उन चीजों के ऊपर आ जाऊंगा, तो चीजें काफी ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि वेयर वी स्टैंड राइट नाउ, ठीक है। तो आई रियली नीड टू कवर दोस टॉपिक्स फर्स्ट। यहाँ पर आ जाते लिस्ट ऑफ फाइबर ई बुक राइटर्स, ये मैंने खुद से हैंड पिक करे हैं। इनमें से मेजोरिटी राइटर्स जो हैं, जो आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये बहुत कुछ हैं जो महंगे हैं, लेकिन मेजोरिटी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 0.035 डॉलर, 0.02 डॉलर भी ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 0.5 डॉलर भी ले रहे हैं, तो आई मीन सॉरी 0.05 डॉलर या इस तरह, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट चार्जिंग, आर चार्जिंग लेस देन 0.1 डॉलर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देख लो आप लोग को कौन सा सूट करता है। कुछ जॉनरा बेस्ड है, सही है, कुछ कुछ रोमांस के ऊपर लिखते हैं, कुछ चिल्ड्रंस बुक्स के ऊपर लिखते हैं, कुछ जॉनरा बेस्ड है, लेकिन दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो कपल ऑफ थिंग्स मोर, कि ये जो राइटर्स हैं ये मैंने कैसे हैंड पिक करे हैं, दे हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑफ विद देयर कस्टमर्स इन द पास्ट, मोस्ट ऑफ देम हैव ऑर्डर्स इन क्यू। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डर्स इन क्यू, एंड आई एम अ फ्रीलांसर एट फाइवर एज वेल, when we talk about orders in queue basically is a metric, is a sort of metric to represent ke is co-writer ki ya is freelancer ki reputation kaisi hai, theek hai. To they all, almost all of them have writers in orders in queue. They have an average rating of 4.8 to 4.9 or above, theek hai, not less than that, aur inke paas at least 100 reviews hai, which means 100 reviews का मतलब ये है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट इनके तकरीबन अप टू 250 से 300 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 250 से 300 बुक्स ये लोग दूसरे लोगों के लिए लिख चुके हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट मोस्ट ऑफ देम आर 100 प्लस और नियर टू 100, ठीक है। तो दीज आर ऑल हैंड पिक्ड। काफी लोगों को मसला होता है जब वो फाइवर पे जाते हैं, उन लोगों को मसला होता है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस किस कौन से राइटर को सिलेक्ट करें, क्या चीजें देखना चाहिए उसमें। मैं खुद एक फ्रीलांसर हूं, मुझे पता है कि एक कस्टमर को क्या देखना चाहिए, क्योंकि पहली बार वो आते हैं, दे गेट लॉस्ट इन इट। तो मैंने खुद से इस वजह से यहाँ पे हैंड पिक करके तुम लोग को निकाल के दे दिए हैं। अब तुम लोग का काम है कि तुम लोग इनको देख लो, अगर तुम लोग को और चाहिए तो मैं और भी दे दूंगा, मुझे मसला नहीं है। आई कैन, मतलब इतनी ही लिस्ट, ये एक्चुअली डबल थी लिस्ट, ये तकरीबन नीचे तक जा रही थी काफी, लेकिन आई थॉट दैट वुड बी टू मच, तो मैंने डिलीट कर दिए बाकी, ठीक है। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं डाल दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट गो विद देम फॉर अ स्टार्ट ऑफ, देख लो कि मैंने कौन से राइटर्स प्रोवाइड करे हुए, हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं पहले जरा स्लाइड्स को शेयर कर दूं व्हाट्सएप। एक मिनट रुकना यार। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि राइटर्स जो भी अपने रेट्स बता रहे होते हैं कि हम इन रेट्स पे आपके साथ काम करेंगे, यूजुअली 80% ऑफ दोस राइटर्स, मतलब 80% ऑफ दीज राइटर्स आर रेडी टू नेगोशिएट विद यू। मतलब अगर कोई गिवन राइटर है, लेट्स सपोज अगर वो, अगर मैं इस राइटर की बात करता हूं,
एक सेकेंड, एक स्लाइड और रहेगी, वो भी देखो। या सो अगर मैं तुम लोग से ये बात करता हूँ कि अगर कोई एक गिवन राइटर है और वो तुम लोग से खास रेट्स के ऊपर कोई काम करवा रहा है, और वो मैं तुम लोग को अभी बता देता हूँ, बस एक सेकंड रुकना, मैं जरा अपने ये स्लाइड शेयर कर दूँ तो इसके बारे में बात कर लेता। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 20 पेजेस तुम्हें लिख के दे देगा फॉर $50। एंड वी ओनली टॉक अबाउट 20 पेजेस। लेट्स एज्यूम कि हम ऑन एन एवरेज $250, या चलो 250 पेजेस एंड 300, सॉरी 250 वर्ड्स एंड 300, 275 ले लेते हैं। 275 वर्ड्स पर पेज हम ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, तो 275 × 20 तो 5,500 वर्ड्स जो है ये तुम्हें $50 में लिख देगा। अब ये तुम लोग फिगर अपने दिमाग में रखना, तुम लोग इससे नेगोशिएट कर सकते हो बहुत आराम से। $50 / 5,500 विच मीन्स 0.009, आई डोंट नो ये क्या चार्ज कर रहा है, लेकिन बहरहाल जो भी कर रहा है कर रहा है। तो 0.009, ये तो नेगोशिएट नहीं करने वाला मुझे नहीं लगता। वे इज ही फ्रॉम नाइजेरिया, नो नो वंडर ही इज चार्जिंग सो लो। बट एज यू कैन सी फाइव स्टार बंदा है ये, 97, मतलब आई वुड पर्सनली हायर हिम लुकिंग एट दीज फिगर्स एंड इफ दीज आर ट्रू। सही है? तो एंड लेट्स जस्ट सो दैट मे बी मोस्ट ऑफ यू गाइज डोंट नो अबाउट दिस, मे बी यू टू, बट डू यू नो हु अ गोस्ट राइटर इज? गोस्ट राइटर इज अ पर्सन हु राइट्स फॉर यू बस बट डज नॉट टेक क्रेडिट ऑफ द राइटिंग, एंड यू डू इट, यू टेक द क्रेडिट। सही है? वो क्रेडिट नहीं लेता बुक राइटिंग का, वो बोलता है कि बेसिकली राइटर वही था। मतलब लेट्स सपोज मैंने एक भी लफ्ज नहीं लिखा बुक का, मैंने गोस्ट राइटर हायर करा और मैंने उसको बोला भाई तुम एक्सपर्ट हो बुक राइटिंग में और तुम्हारी ये शौक है, तुम अपने शौक के लिहाज से एक बुक लिख दो। उसने एक बुक लिख दी बहुत अच्छी सी, और मैंने बोला बस ठीक है, नाउ आई आई ओन दिस बुक एंड आई एम गोइंग टू टेल एवरीवन दैट आई हैव रिटन दिस बुक। ठीक है? द गोस्ट राइटर डज नॉट टेक क्रेडिट ऑफ द बुक। ठीक है? तो गोस्ट राइटर्स एंड मिसेस मेजोरिटी और सारे ई बुक राइटर्स हैं। ठीक है? टॉपिक एंड कॉन्टेंट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। You can either ask for the topic or content from the ghostwriter, maybe uski koi expertise ho, ya tum khud de do. Theek hai? Jo tum log samajhna chaho uske upar kar sakte ho. Theek hai? To ye 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 yaad rakhna, aur agar tum log ko lagta hai ki nahi yaar hum log ko khud se ebook likhwani hai, khud se apna writer select karna hai, to iska bhi link maine tum log ko provide kara hua hai slide mein hi. ठीक है? ई बुक एंड ई बुक राइटिंग। ठीक है? इसमें आओ तुम लोग, गोस्ट राइटर ये देखो एक और नजर आ रहा है, आई थिंक ही इज फिनोमिनल, ही इज फिनोमिनल, एक्सेप्ट राइट चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स और स्क्रिप्ट गोस्ट राइटिंग। ही इनफैक्ट मुझे इसको भी डालना चाहिए लिस्ट में, मैंने डाला हुआ नहीं है, लेकिन तुम लोग देख सकते हो 250 वर्ड्स, ये बहुत महंगे में काम कर रहा है, काफी महंगे में काम कर रहा है, बट एज यू कैन सी ही हैज सम, मतलब आई थिंक ही इज एक्सेप्शनली गुड, ही इज एक्सेप्शनली गुड एंड ही इज राइट charging you so much because he's from UK. Considering the person is from UK, obviously इसके लिए अगर ये पाकिस्तानी या नाइजेरियन रेट्स या बांग्लादेशी रेट्स या इंडियन रेट्स के ऊपर चार्ज करेगा तो he won't be making much. ठीक है? तो तुम लोग खुद से भी सर्च कर सकते हो, बट देन मेक अप योर माइंड के इसके ऊपर के अगर तुम लोग इस तरह के राइटर से लिखवाते हो तो बहुत महंगा लिखेगा, लेकिन फिर वो इलीट राइटिंग होगी और उस I think it should be something. Template for Head Start. Okay, so I'm providing you guys with the template to get your Head Start. ये मैं तलाल तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ शेयर कर लेना। वैसे ये स्लाइड्स शेयर कर दी हैं तो स्लाइड्स में ही है पहले से ये शेयरिंग पर। ठीक है? तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया है तुम लोग के लिए। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मैंने टेम्पलेट क्यों बनाया ये? अब लेट्स सपोज यू आर अ राइटर, कंसीडर योरसेल्फ अ राइटर एंड माशाल्लाह वी हैव सम राइटर्स ओवर हियर, अस्का कैन मे बी सेकंड मी ऑन दिस टॉपिक,
होता क्या है, देर इज अ वेरी कॉमन टर्म इन आर एज अ कॉन्टेंट राइटर विच इज नोन एज राइटर्स ब्लॉक. एंड दिस हैपेंस यूजली व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट क्रिएटिव विद वर्ड्स और द स्टोरी और वॉट एवर यू गोइंग टू राइट. थोड़ी देर लिखने के बाद एकदम से राइटर्स ब्लॉक आ जाता है और आप ये सोच नहीं पाते हो, आप क्रिएटिव नहीं हो पाते हो कि अब मैं क्या लिखूं. एंड दैट हैपेंस व्हेन यू कंसेक्यूटिवली राइटिंग ओवर अ टॉपिक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एज इन हो सकता है, जैसे मैं तुम लोग को बता सकता हूँ, कॉन्टेंट राइटर अगर आप हो, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कॉन्टेंट, काफी लोगों ने कॉन्टेंट राइटिंग शायद अपनी जिंदगी के कैरियर के शुरू में करी हो, तो ये एक बहुत कॉमन मसला होता है कि जब बंदा लिखना स्टार्ट करता है तो बिल्कुल शुरू में 2 घंटे लिखने के बाद वो 3रे घंटे में एकदम उसका दिमाग बंद हो जाता है और वो सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि यार मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, और वो कुछ नहीं सोच पा रहा होता. दैट इज अ वेरी कॉमन टर्म इन राइटर्स इंडस्ट्री नोन एज राइटर्स ब्लॉक. ठीक है, और एक तो ये होता है. दूसरा ये होता है कि जब आप लिखने जा रहे होते हो फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ भी कॉन्टेंट, एंड इफ यू लुकिंग एट दिस एम्प्टी स्पेस, हो सकता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटर्स इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वन हु इज इंटेंडिंग टू स्टार्ट राइटिंग, जब वो एक खाली स्पेस देखता है तो उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या लिखना स्टार्ट करूं. ठीक है, और मैं अगर आपसे बोलूं, इफ यू आर नॉट अ राइटर एंड आप ये सोच रहे हो कि मैं राइटिंग स्टार्ट करूं या राइट करके देखूं थोड़ा बहुत, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट समथिंग. मतलब हो सकता है कि 2.5 घंटे बाद मैं आपसे पूछा, हाँ भाई क्या लिखा, तो आप मैं अभी सोच रहा हूँ, हो सकता है आप ये बोलो, हो सकता है अभी आपने कुछ भी ना लिखा, हो सकता है आपने 3 लाइनें लिखी हो. इट इज हाईली लाइकली ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो. ठीक है, फॉर दैट टू अवॉइड दैट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ फॉर्मेट. और वैसे ये एक वर्ड फाइल का फॉर्मेट था जो मैंने इसके ऊपर अपलोड करा है, और वर्ड फाइल जो होती है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो मैंने वर्ड फाइल क्रिएट करा था, लेट्स सपोज चैप्टर 2 मेक दिस चैप्टर ऑसम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है चैप्टर 2 मेक दिस चैप्टर ऑसम. अगर आप नीचे चैप्टर 2 में कोई चीज एडिट करोगे तो वहां पे वर्ड फाइल जो मैंने बेसिकली बनाई हुई है, जो मेरे पास अभी खुली हुई है, जो आप लोगों को नजर नहीं आ रही, अगर आप अपडेट अपडेट दिस वर्ड फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे, ऊपर बेसिकली यहाँ पर कहीं आ रहा होता है वर्ड पे ऊपर, एमएस वर्ड के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सारे चैप्टर्स का जो आपने नाम रखे होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, टेबल ऑफ कॉन्टेंट ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा. आई डू नॉट नो हाउ इट वर्क्स ऑन दिस फाइल एज इन गूगल डॉक्स, आई डू नॉट नो हाउ इट वर्क्स ओवर हियर, बट आई डू नो हाउ इट वर्क्स ओवर देयर बिकॉज मैं वहां पे फॉर्मेटिंग करी है मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करी है. लेकिन दिस इज जस्ट सो दैट आप इसको देखोगे ना तो आपको एकदम ऐसा फील नहीं होगा कि मैं बिल्कुल एम्प्टी डॉक में जो ना चीजें करने जा रहा हूँ. थोड़ा सा आप मोटिवेटेड फील करोगे, आपको ये होगा कि अच्छा चलो ठीक है, थिंग्स आर ओवर देयर और मुझे सिर्फ चीजें प्लेस करनी है. आपको अपना टाइटल प्लेस कर दिया, सब टाइटल प्लेस कर दिया, नाम प्लेस कर दिया, आप लोगों को बताना हुआ कि भाई आप ऑथर हो और आपकी कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आप चाहते हो लोग विजिट करें. Why I wrote this book is very, very important, and you will see this heading or this place written in a lot of books. के लोग inspiration के तौर पे बता रहे होते हैं कि उन्होंने क्यों ये book लिखी है. Some people are inspired by their family, by their parenthood, or by someone else they've been inspired by in their life, and they write their reason के why they wrote it. Straight to the point actually. ठीक है, why they wrote this book. I mean, for that reason, आपने क्यों लिखी ये book? ठीक है? So you have to fill in this place. ठीक है? You have to come up with the point. अच्छा, so how many of you guys know about blurb? BLURB. What is a blurb? पता है? Okay. So अब मैं तुम लोग को ये भी बता दूं, आपकी आप बुक्स जो पढ़ते हो, जो नॉवल उठा के लाते हो, नॉवल के पीछे एक पूरी समरी लिखी हुई होती है. ठीक है, दैट इज अ ब्लर्ब. कि व्हाट दिस बुक इज अबाउट, इट इज बेसिकली द बैक साइड ऑफ द बुक. ठीक है, दिस तो ये भी याद रखना, तुम लोग अपने पास लिख लो इसको. ब्लर्ब भी लिखवाना पड़ेगा तुम लोग को, या लिखवाना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, या अपने राइटर से बोल देना कि भाई पूरी बुक लिख दी है, ब्लर्ब भी लिख दो, तुम ही लिख दो.
दिस इज कॉल्ड ब्लर्ब, BLURB, ठीक है. सो विद डिस्क्रिप्शन, विद सबटाइटल, विद कवर, कवर पे जो कवर आपकी पूरी इमेज होगी फ्रंट की, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बुक. ठीक है, तो रिमेंबर दिस, डू नॉट फॉरगेट दिस. या तो ये भी लिखवाना होगा आप लोग को. तो इफ यू लुक एट दिस, यहां पे मैंने वाई आई रोट दिस बुक करा है, उसके बाद वाई यू शुड रीड दिस बुक. आप चाहो तो ये हटा दो, ठीक है, एंड मैं बोलूंगा आप लिखो, ठीक है, बिकॉज यू गिविंग अ रीजन फॉर द रीडर एंड वाई इज दिस इंपॉर्टेंट. ये भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप अपनी कोई भी ई बुक डालते हो Amazon पे, तो जैसे अगर आप लोग ने देखा हो बहुत सारी बुक्स होती, जैसे lynda.com पे अगर आप जाओ, वहां पे कोर्सेज होते हैं अवेलेबल, तो पहले दो या पहले एक दो जो स्लाइड्स होती हैं कोर्स की, वो फ्री होती हैं, वो इंट्रोडक्टरी होती है एंड व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट होती है, सो दैट द रीडर कैन हैव अ लुक इनटू द बुक कि ये मैं किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ. तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन इग्नोर, इवन इफ यू थिंक दैट दिस इज पॉइंटलेस, बट this is not pointless because you're going to tell, you'll be telling your user directly why they should read or why they should be interested in your book. Theek hai, so this should help them evaluate ki whether they are going to buy this book or not. Theek hai, so this is very important. This is one of those parts jo ke Amazon pe free sare log dekh sakte hain aapke book ke bare mein ki what your book is going to be about. This is not something that you can ignore. ठीक है, लेट्स स्क्रॉल डाउन. टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैंने जैसे बोला कि मेरे पास जो वर्जन है, अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ ना आ रहा हो, बिकॉज मैंने ये इसको बेसिकली इंटीग्रेट करा हुआ है, ऑटो करा हुआ है कि ये कोई भी आप कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज वो एडिट हो जाएगी और आप लोग यहाँ पे अपने लिहाज से चीजों को एडिट कर सकते हो फिर. ठीक है, और चीजें ऑटोमेटिकली जो करोगे, अपडेट करोगे अगर वर्ड पे, तो वो ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी. तो दीज आर अप टू 9, जस्ट टू गिव यू a reason to start writing. Or 9 se hoga kya, 11 chapters is, sorry, I'm sorry, 12 in fact. Isse hoga kya ki aap log apne apni book ko bhi soch sakte hoge ki yaar main kis tarah todu aur main apni har har chapter ko naam kya do. Theek hai, so if you're a writer, this will help you pehle se विजन कर पाओगे अपनी बुक को कि यार मेरे पहले चैप्टर को अच्छा मैं इसमें तोड़ देता हूँ, सेकंड को इसमें तोड़ देता हूँ, थर्ड को इसमें तोड़ देता हूँ. तो यू पहले अगर आप अपने चैप्टर्स को तोड़ भी देते हो तो बाद में यू कैन स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट डायरेक्टली अबाउट दैट पर्टिकुलर चैप्टर. सही है, लेट्स स्क्रॉल ऑल द वे डाउन आफ्टर 12 एंड देन हियर कम्स द पार्ट जहां पे आप अपनी इमेज लगाओगे. दिस हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम गूगल. अबाउट द ऑथर, सही है, आप अपने बारे में लिखोगे. लर्न मोर, कॉल टू एक्शन दोगे. अगर आपके पास आपकी, ये बेसिकली वो एरिया होगा जहां पे आप अपनी बाकी बुक्स भी डाल सकते हो. एंड लर्न मोर अबाउट द पब्लिशिंग कंपनी, वो डाल दिया. अदर बुक्स बाय, जो भी आपकी बाकी बुक्स हैं वो यहाँ पे डाल दो हाइपर लिंक करके. यहाँ पे अभी मैंने अमेजोन का लिंक डाला हुआ है, ठीक है, बेस्ट सेलर्स का लिंक डाला हुआ है मैंने यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे जस्ट वन बाय वन अपनी सारी बुक्स एनलिस्ट कर दो विद हाइपर लिंक. एंड देन लास्ट but not least, ask the readers to give you a feedback. Theek hai, you have to do this. This is not something which is encouraged by a lot of other platforms, but you have to do this on Amazon. Why? Because when you will, aap logo ko shayad ye pata hona chahiye ke bad reviews likhne wale log zyada hote hain aur jo acche, jinka acha experience hota hai wo reviews nahi likhte. वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है ना दूसरे लोगों को बता देते कि यार ये बुक जरूर पढ़ना, लेकिन वो फीडबैक या रिव्यू नहीं लिखते. ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इसमें. लेकिन जैसे ही किसी का बुरा एक्सपीरियंस जाएगा, वो फौरन से जाके उसका जो है ना रिव्यू लिख देगा ताकि वो रिफ्लेक्ट बैक करे और उसका जो है ना दूसरे लोग उसको ना ले. तो ये चीज तुम लोग को अपने दिमाग में रखनी है कि तुम लोग को अपने लास्ट जो पेज है उसमें तुम लोग को इनकरेज करना है रीडर को कि वो जो है लिखे और उनको बताओ कि अगर वो लिखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव. ये नहीं बोलना कि पॉजिटिव रिव्यू लिखे या नेगेटिव रिव्यू. यू जस्ट हैव टू आस्क देम टू गिव यू अ रिव्यू. अगर वो इन दिस, जब आप किसी से पूछ बोलते हो ना कि आप रिव्यू डालो, तो अगर वो नेगेटिव भी रिव्यू डालने वाला होता है, लेट्स सपोज 1 स्टार, तो वो एटलीस्ट 3.5 4 स्टार डाल देता है. वो सोच के कि यार एटलीस्ट ही इज बीइंग ऑनेस्ट. ठीक है,
So what you need to do over here is you have to do the same thing over here and give them, tell them that you're going to improve your book after reading the reviews. Okay. So this is where your link will go. And ye link kaun sa hoga ye bhi main tum log ko bata deta hu. Ye link hoga, ek minute. If you go over here, bestsellers mein, ab since I'm from Pakistan, so that matters, but अगर मैं इस बुक को खरीदता हूं तो उसके बाद मैं रिव्यू लिखने के लिए राइट अ कस्टमर रिव्यू आ जाता है. ये यहां पर मैं इट वोंट रियली डजंट मैटर बिकॉज ये मुझे बोलेगा कि मैं ड्यू टू देयर सम रूल्स मैं आई कैन नॉट गो अबाउट राइटिंग द रिव्यू. बट इफ यू कैन गेट दिस लिंक, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स इन यूएस एंड और इफ यू हैव एन अमेजोन US ID, access your book page, go down to reviews section, और जब reviews का section आएगा, log in करके तुम review के area में आ जाओगे. मतलब do it from your friend's account or somewhere else, ठीक है? Review के section में आ जाओगे. उस review के section में आने के बाद ऊपर का link copy करो, और link copy करने के बाद ज्यादातर US के लोग पहले से logged in होते हैं और उसको यहाँ पे आके paste कर दो. इससे फायदा ये होगा कि उस यूजर को हैसल फील नहीं होगी और डायरेक्टली तुम्हारे रिव्यू के पेज के ऊपर आके लैंड कर जाएगा और वो डायरेक्टली तुम्हें रिव्यू देख सकता है इस वजह से. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह मेरे पास कल आ जाएगा केडी स्पाई और कल मेरे ख्याल से पब्लिशर रॉकेट भी आ जाएगा. लेट मी चेक एक सेकेंड. हाँ मैंने भेज दिया. या ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं तुम लोग को इसके ऊपर भी वो कर देता हूँ. प्लीज प्लीज मैनुअल ब्राउज़र एज यू नॉट बी एबल टू कॉपी इट. ओके ठीक है, एक मिनट रुकिएगा. यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चंस ओवर हियर इफ यू वांट. मैं वॉइस पे एंटरटेन कर लूंगा. आई हैव नो इश्यूज फॉर टुडे. एंड ओके सो आई एम गेसिंग नन ऑफ यू हैव एनी. अच्छा सही है. ओके सो आई विल स्टार्ट विद मोतिशम. Motisham, can you unmute yourself because मैं कर नहीं पा रहा. मैं तो मैं unmute नहीं कर पा रहा हूँ. अच्छा रे, wait. अगर sheet पे wait. Sheet पे लिख लिया सवाल तुम लोग ने तो मुझे sheet का access दे दो. Wait, question and answer sheet. ठीक है, आई एम सॉरी, आई विल टेक द क्वेश्चंस ओवर हियर. ठीक है, वी हैव द क्वेश्चंस. सो ज़ुल्कर्नैन, कैन वी शेयर केडीपी लाइक अदर टूल्स एंड व्हिच सोर्स इज बेस्ट टू यूज पिक्चर्स. कैन वी शेयर केडीपी लाइक अदर टूल्स. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कैन वी शेयर केडीपी टूल्स एंड व्हिच सोर्स इज द बेस्ट to use pictures. For pictures, if you want to use pictures in your KD, in your cover images and other places, then you should use Canva. Canva ka premium le lo, it's for $13 and usme tum logo ko bahut bahut sari stock images milengi which are free to use after the premium version. So yeah, I think there's some available in the free version too, but I would recommend always remember. मैंने तुम लोग को बता दिया था कि pictures तुम लोग लो किसी जगह से, खरीद को लो शटर स्टॉक से, इधर उधर से स्टॉक इमेजेस वगैरह. Canva ले लो, Canva से तुम लोग उठा लो सारी पिक्चर्स जो उठानी है. लेकिन इस तरह नहीं करना कल को अमेजोन ने कोई क्वेश्चन कर लिया तो तुम लोग के लिए इशू हो जाएगा. सलमान आरिफ का सवाल है, when is the KD spy session? How can I discuss niches with you privately? सलमान
If you want to discuss niches with me privately, wait, let me think about the first one first. Acha, to KD spy session or KD spy and publisher rocket, dono next bar hai Salman, kyunki mere paas access nahi tha. Aur niches ke bare mein privately you can. अच्छा, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एक काम करते हैं, मैं एक ईमेल एड्रेस बना लेता हूं जस्ट फॉर किंडल. सही है, बिकॉज किंडल के लोग कम है, मैं एंटरटेन कर सकता हूँ. शॉपिफाई के बहुत लोग हैं, अमेजोन के बहुत लोग हैं, किंडल के कंपैरेटिवली कम है. मैं एक ईमेल बना लेता हूँ ओनली फॉर समथिंग लाइक के ec.kindlesession@gmail.com, कुछ भी ऐसे करके, और उस पे मैं तुम लोग के सवाल एंटरटेन कर लिया करूंगा हफ्ते में एक बार, देख के सबके जवाब दे दिया करूंगा. सिंस देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर, सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जैसे मैं तुम लोग को बताया, अगर मेरे पास इसमें तकरीबन 100 स्टूडेंट्स होते तो मैं ये नहीं कर पाता. ये सब मैं इसलिए कर सकता हूँ. ठीक है, असदुल्लाह, क्वेश्चन 1, हाउ डू वी कंफर्म अबाउट अ गोस्ट राइटर दैट ही डज नॉट सेल हिज नेम राइटिंग्स टू 2 or more persons? यू कैन रिपोर्ट हिम. अगर कोई गोस्ट राइटर, अगर आप फाइबर पे जाके काम करते हो और वो आपका कंटेंट उठा के किसी और को दे देता है, तो वो टर्म्स ऑफ सर्विस सेट के ऊपर जो है ना रिपोर्ट हो सकता है, और आप उसको क्लियर कर दो अपने टर्म्स कि अगर ये मेरे साथ हुआ तो मैं तुम्हें आके छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जो ना फाइबर पे रिपोर्ट कराऊंगा, आई विल मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल गेट्स डिलीटेड. फाइबर इज रियली स्ट्रिक्ट विद देयर पॉलिसीज बाय द वे. आई हैव माय किंडल अकाउंट सिंस डिसंबर 2019 बट नेवर पब्लिश एनीथिंग. वी वाज वेटिंग फॉर योर सेशंस, जस्ट कंफर्म दैट अमेज़न डज नॉट रिक्वायर अस टू पब्लिश समथिंग. Just confirm us that Amazon does not require us to publish something in a specific time. No, not at all. Not at all. Question 3, can we copy a content from YouTube video? I mean, you cannot. I never encourage anyone to copy content from YouTube. I always encourage people to take inspiration from or paraphrase it from another content and then write it down. Ye kar lo, but do not copy it, take encouragement या paraphrase करके चीजों को लेके चल लो थोड़ा. I mean, if speakers talking about nation, I don't think so. I don't think that it can come in copyright violation directly, because it just can't be proved easily, and it's not easy to go through thousands of books in a particular category just so that I know कि मैंने आज एक YouTube की वीडियो डाली है ड्रॉपशिपिंग के ऊपर, और मुझे पता है कि कोई एक ड्रॉपशिपर है जो मेरा कंटेंट उठा के जो है ना कॉपी करके और अपनी बुक के ऊपर लिख रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है. अनलेस के कोई उसको रिपोर्ट करती कि भाई तुम्हारे कंटेंट वहां पे भी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा एडिट कर दो ताकि कॉपीराइट इश्यूज उस पर से हट जाए, थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दो. मोहतशिम कादरी, okay, nahi. Can we copy content? Achha, see. So Daniel, is there a software to search for hot topic keywords? Yes, that's KD Spy, like we use Jungle Scout. Exactly. Aur uska main next session ke upar confirm 100% tum log ka next session uske upar de raha hu. Mere paas access nahi tha, to is wajah se main kuch kar nahi paya. Please voice question le lein. Ye sheet nahi open ho rahi mere paas. Hai? तो मैं मोहतशिम से भाई ओपन वॉइस क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिकॉज उसके पास ये शीट ओपन नहीं हो रही है, शायद किसी और ने लिखा है मैसेज उसके पे आफ पे. कासिम, आई हैव अ केडीपी अकाउंट एंड पब्लिश 5 to 7 ईबुक्स, बट हाउ कैन आई रैंक देम? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वेट फॉर कासिम, बिकॉज इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं रेट करने के, रैंक करने के. एक है जो हम नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान जिसको VVROs के बारे में नहीं पता, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता, एक वो है और एक वो है जिनको पता है. तो मैं दोनों तरीके लेके चल रहा और वो फ्यूचर लेसन में कवर करूंगा. तो सिंस यू हैव अ बुक, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट विद दिस, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर यूजिंग पब्लिशर रॉकेट. ठीक है, ज़ुल्कर्नैन, आई रिफ्रेज माय क्वेश्चन, प्लीज चेक. कैन वी प्लीज share KD Spy tool like other product hunting tools on sharing basis? I think you can share it. I don't know, actually I haven't shared it with anyone else, but I think you can. It's highly likely that maybe you can do it with one person, maybe at max two, but do not go on sharing it with everyone. Do not do this. Ek ke saath share kar lo. Imran, is it legal to use ghostwriter books published in our name? Yes, it is. I mean, it's
I mean, the ghostwriter shouldn't go about telling everyone कि ये book तो मैंने लिखी है, मेरे credits ले रहा है, because he's a ghostwriter, he should not be doing that, because ghostwriter की definition ही यही होती है. मुकद्दस का सवाल है, children books are usually illustrative and main content major, is it any way to wait those books are being charged rather than per word? तो देखो, जहां तक क्रिएटिविटी की बात है तो वो तुम्हें करवानी पड़ेगी किसी से, या तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, या तुम्हें अपने गोस्ट राइटर से बात करनी पड़ेगी कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वरना तुम्हें खुद करनी पड़ेगी. ये चक्कर है इसका. सो यू वॉन्ट बी चार्ज फॉर दैट, दोज विल बी जस्ट इमेजेस एंड स्टॉक इमेजेस आप ले सकते हो, या तो आप शटर स्टॉक से उठा लो या आप यहाँ से उठा लो, वो आपकी मर्जी है. लेकिन इफ यू वॉन्ट टू कीप इट इलस्ट्रेटिव, यू हैव टू मेक श्योर दोज इमेजेस आर, यू हैव द लाइसेंस टू दोज इमेजेस. आई मीन, वो मैंने आप लोग बता दिया था कि कोई भी इमेज आप कैनवास से अगर एज अ प्रीमियम उठाते हो तो यू आर डूइंग इट द राइट वे. ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट. इनसे सवाल ले लेता हूँ मैं, मोहतशम से. जी मोहतशम. अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दो तीन. एक तो एक माल, जैसे आपने बोला कि मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ है आपका फेसबुक एड्स वगैरह का, इसी तरीके से कंटेंट रिलेटेड टू एसईओ वगैरह बहुत सारी ई बुक्स ऑनलाइन होती हैं पहले से, तो उनका भी कंटेंट रिफ्रेश करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन मैं अपना भाइयों वाला तुम लोग को वो बता रहा हूँ. अगर तुम लोग को कॉन्टेंट लेना है ना कहीं से, किसी एक बुक से नहीं लो, तीन बुक से लो, कंटेंट ले लो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन पैराफ्रेज हो और कुछ उसमें अपना भी एडिट हो, समझ रहे हो? अच्छा, सही है. हाँ, अच्छा, एक और चीज ये कि मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, वो पूछने का मकसद ये था क्योंकि आगे, फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि अगर हम बीवीआरओ वगैरह के ऊपर आगे जाके अगर हमें काम करना ही है तो ऑब्वियसली वी वुड बी हैविंग बिल्डिंग आवर कम्युनिटी, राइट? तो मुझे, मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था कि बीवीआरओ, जैसे अभी आपने इस सेशन के अंदर प्यारी बात बोली है कि मोस्ट ऑफ द रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया, राइट? तो क्या आपकी किंडल मार्केटिंग के अंदर, जब हम आगे जाएंगे, ऑब्वियसली फ्यूचर क्वेश्चन है, लेकिन किंडल मार्केटिंग जब आएगी तो उसके अंदर इंडियन रीडर्स भी काउंट होंगे अगर वो हमारी बुक परचेज करेंगे, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड से ये सिनेरियो बनते हैं? मैं अगर तुमसे बोलूँ ना, मैं तो तुम लोग को सिर्फ स्टेटिस्टिक्स दिखा रहा था, लेकिन मैं तुम लोग को इस वजह से भी बता रहा था कि मैंने कभी इंडिया में नहीं करी अपनी बुक्स को मार्केट इन इंडिया, बट मैंने जो है मार्केट करा है यूएस में, कनाडा में और यूके में, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है बेसिकली, तो मैंने वहां पे करा है. यू कैन स्प्लिट टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए ये फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं होता ना, सही है? फर्स्ट कैन, अगर मैं यूएस के अंदर ही लॉन्च कर रहा हूँ, amazon.com के ऊपर अगर एक किंडल बुक लॉन्च हो रही है, सही है, लेकिन वो एक बायर है जो इंडिया का है, वो आके .com से अगर बाय कर रहा है, सही है, तो विल दैट बी काउंटेड और नॉट, ये क्वेश्चन है. वेल, दैट वुड शुड बी काउंटेड, क्योंकि अगर इस तरीके से, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं कि अमेरिका में उसको जाके डिलीवर होना है, ये तो ऑब्वियसली कोई भी, कोई इवन कोई पाकिस्तान से भी बैठ के अपना अकाउंट बना के उसको खरीद सकता है बुक को, अपना कार्ड डाल के. या लेकिन सो दैट वुड, दैट शुड बी काउंटेड एज अ वीवीआरओ, मतलब कि अगर आप एक यू नो एक परचेज मार रहे हैं तो वो एक सेल काउंट होनी चाहिए ओरिजिनली, तो मुझे इसके ऊपर बेशक आप बाद में आंसर कर दें इसका. दिस इज समथिंग, तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, तुम्हारा सवाल अच्छा है, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा. और एक और चीज, बस मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप ये जो निच सबमिशन वगैरह का टाइम जो थोड़ा आप इसको डिले करिएगा, क्योंकि अभी तक जो आपने बोला ना कि अभी वो थोड़ी एक क्लैरिटी आएगी बम्बू लॉन्च वगैरह के ऊपर भी, सही है, तो ऑब्वियसली एक मरतबा वो क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद फिर एक यू नो एक टोटल बजट वगैरह आएगा दिमाग के अंदर, तो उस हिसाब से फिर बंदा निच रिसर्च वगैरह करेगा, तो अगर इसका थोड़ा डिले हो सकता है, दैट वुड बी अ रिक्वेस्ट. ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच. इनके सवाल हो गए, बस मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था ना कि मैं यहाँ पे सवाल ले रहा हूँ, तो शायद असदुल्ला ने सवाल किया नहीं, मैं बस ये एक सवाल ले रहा हूँ और वॉइस पे, बिकॉज मैंने इनका इशू था और मेरे ये कहने पे जो ना असद ने भी सवाल रेज करा था अपना हैंड. जी असद, मेरे क्वेश्चन सारे आंसर हो गए हैं वॉइस पे. अच्छा, सही. ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू. ओके ओके गाइस, आई एम ऑफ देन. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम बात होती है.
हाफिज। थैंक यू।